कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कल से प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ओर से शुरू किए जा रहे संभाग स्तरीय फीडबैक कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के पॉलिटिकली स्प्रेडिंग होने के बाद अब माकन के स्वागत और व्यवस्थाओं में लगे कांग्रेस नेता असहज महसूस कर रहे हैं। राजस्थान में जब कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसके बीच और उसके बावजूद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन राजस्थान कांग्रेस के संभागवार फीडबैक कार्यक्रम की शुरुआत कल अजमेर से करने वाले हैं। अजमेर में माकन संभाग के हर जिले के 50-50 नेताओं के साथ ग्रुप डिस्कशन करके फीडबैक लेंगे। इसके बाद 10 सितंबर को माकन जयपुर में पीसीसी में जयपुर संभाग का फीडबैक लेंगे, जिसके बाद सीएम से मुलाकात और फिर दिल्ली वापसी। दूसरे चरण में माकन 2 या 3 संभागों का दौरा करेंगे। माकन का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब प्रदेश में कोरोना महामारी विकराल रूप ले रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार बैठक कर और मॉनिटरिंग के जरिए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के कई विधायक और नेता भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, विधायक रफीक खान, रमेश मीणा कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अब ऐसे में माकन के दौरे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी अजय माकन जी, कल से 2 दिन का फीडबैक कार्यक्रम था जयपुर संभाग और अजमेर संभाग। कल AICC में अति महत्वपूर्ण कोई बैठक में माकन साहब को भाग लेना है, इसलिए वो कल रात तक जयपुर आ पाएंगे। तो 9 तारीख को हमारा जो अजमेर संभाग का कार्यक्रम था वो यथावत है, और जयपुर का कार्यक्रम जो 8 का था हमने उसको 10 का रखा है। सूत्रों की मानी तो प्रदेश कांग्रेस के आला नेता भी नहीं चाहते कि अभी फीडबैक कार्यक्रम कराया जाए। अगर फीडबैक कार्यक्रमों के दौरान कोरोना संक्रमित निकल आए तो संगठन के साथ साथ सरकार की भी किरकिरी होगी और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। बहरहाल माकन को प्रदेश प्रभार मिलने के बाद प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने की जल्दी है। वो चाहते हैं यहाँ के हालात का रिपोर्ट कार्ड जल्द से जल्द पार्टी आलाकमान को दिया जाए, ताकि प्रदेश में 2 कैंपों में बटी कांग्रेस के बीच समन्वय कायम किया जा सके। लेकिन कोरोना काल में माकन की ये कोशिश कहीं उन पर ही भारी न पड़ जाए। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।